गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता ही चल गया है, राखी बनाने वाले हैं आज हम। और सिर्फ हम बच्चों की राखी नहीं, एक सेट हम पूरा लुम्बा भी बनाएंगे और जेंट्स राखी बनाएंगे। तो आप अपनी भाई और भाभी के लिए खुद घर पे राखी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल रहेंगी, घर की चीज़ों से हम इनको बनाएंगे और बहुत जल्दी आप इनको बना भी पाएंगे। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा एंड तक वीडियो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आने वाले हैं और बहुत ईजी आप मिनटों में इनको तैयार करके और अपने घर वालों को दे सकते हैं और वो इनको पसंद भी ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम पहले बनाएंगे बच्चों के लिए राखी। उसके लिए मैंने लिया है कुछ फॉर्म शीट्स, कार्डबोर्ड, जो अगर आपके पास कोई बॉक्सेस बचे हों वो ले सकते हैं, और ये कुछ टॉयज़ जो बच्चों के पास ऑलरेडी होते हैं या फेवरेट कार्टून जो भी आपके बच्चों के हैं वो ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप बना भी सकते हैं छोटी सी पेंटिंग करके, और सीजर्स या फिर कोई भी क्राफ्ट वाली जो सीजर होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ स्टोन्स वगैरह अगर आपको पसंद है, जैसे भी बनाने के लिए। फर्स्ट राखी के लिए मैं क्राफ्ट वाली सीजर से शीट को कट कर लूँगी, और कट खुद ही कीजिए, बच्चों के हाथ में सीजर्स ना दें तो अच्छा है। तो हमारे पास ये है, तो मैं इसको एक बार कट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों का हाथ कट जाता है कट करते हुए, है ना। ये मम्मा पापा से ही कटवाना चाहिए। हाँ भाई, आप भी अपने बच्चों से ही कटवाना। बच्चों से नहीं, मम्मा पापा से। मम्मा पापा से ही कटवाना। हाँ, तो हमने ये ले लिया। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक रिबन लेंगे। ऐसा रिबन लिया हमने, दिखाओ शिवान साहब आपकी तबड़ा है, ये तबड़ा चल जाएगा ना। यस, तो हम इसको ऐसे कट कर लेंगे, और रिबन को हमेशा वी में कट करना। कैसे, ऐसे इसको या और वी में कट कर दिया हमने इसको, ठीक है, इससे रिबन खुलेगा नहीं। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट मतलब समझ गए, समझे क्या? ओके, तो हमने ये ले लिया ऐसे, ठीक। अब इस पे यहाँ पे मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा ग्लू। आज 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 आ गया, यस। और अब हम इतना सारा नहीं लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऐसे हमने इसको ब्रश से या हाथ से हल्का सा स्प्रेड कर दो, ठीक है। अब इसके ऊपर लगाओ येलो वाला जो मैंने आपको दिया है, सीधा सीधा। चलो ऐसे लगा दो, जैसे मेरे बेटे को अच्छा लगेगा वैसे लगा दो, ठीक है ना, उल्टा। अब हम इस पे भी लगा देंगे, इस पे लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया, ये अब लगा दो इसके ऊपर। और ये शिवांश का टॉय राखी बन गया, सबसे इजी वाली राखी थी शिवांश की, दिखाओ। ये बन गई शिवांश की राखी नंबर वन। एक लेंगे कार्डबोर्ड, कोई भी जो आपके पास कार्डबोर्ड हो इसका कट कर सकते हैं, और उसको हम अच्छे से किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो हम किस शेप में काटें बताओ, हमने इसको ऐसे रखा और ये हो गया सर्कल। ओके, तो अब मैं इसको फटाफट कट कर लेती हूँ, मैं इसको कलर कर देती हूँ, ये मैंने रेड कर दिया, ठीक है, इसको भी सूखने। तो हमने ये लिया धागा और हमने रेड कलर वाला, पहले रेड कलर लिया, इसके ऊपर लगाया थोड़ा सा हमने क्या ग्लू। अब इसको इसके बीच में लगा दो, ऐसे लगा देना, ऐसे लगाओ, यस, बिल्कुल सेंटर में, वेरी गुड शिवांश, वाओ गुड। अब इसको इसके ऊपर रख दो, वेरी गुड, प्रेस कर दो अच्छे से, सेंटर में लगाओ और इसको ऐसे प्रेस कर दो, यस, प्रेस हो गया। अब इसमें मैंने ये लगा दिया, अब अपना टॉय रखा था इसके बीच में, यस, रुको 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 रुको, सेंटर, यस, और ये हमारी सेकंड राखी तैयार हो गई, ठीक है। वाह, कितनी प्यारी लग रही है, सुपरमैन, सुपरमैन, सुपरमैन। इसके लिए हम कोई भी पेपर या फिर शीट ले सकते हैं। नेक्स्ट राखी के लिए क्या चाहिए, बहुत सारी टॉफी जो भी आपके बच्चे खाते हो, तो मेरे पास 3 हैं, क्योंकि मैं ज्यादा खिलाऊंगी तो दांत खराब हो जाएंगे। अब मैं इसके ऐसे इनको प्लेस कर दूंगी, ठीक है, और
ऐसे लगा दूंगी और हम इनको चिपकाएंगे तो क्या होगा, जब राखी हो जाएगी फिर हम उतार के खा लेंगे, ठीक है ना। तो अब मैंने रिबन को कट कर लिया और मैंने इसको शुमाश के सामने रख दिया। ये बच्चे नहीं यूज कर सकते तो इसको माँ यूज कर रही है, ठीक है। और फिर कैसे लगानी है आपको टॉपिंग, पहले ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर रखो टॉफी, यस। अब इसके ऊपर रखो टॉफी, यस, अमेजिंग। अब इसको ऐसे लगाना, ठीक है, सुंदर डिजाइन लगेगा इससे। ये लगाया मैंने, ये लगाया, अब लगा दो इसके ऊपर ऐसे, ये। अब मैं इसके ऊपर ये लगा रही हूँ, आप लगा देना, लो लगा दो जल्दी से। थर्ड राखी रेडी है। अब मैंने एक, अच्छा पहले चलो फिफ्थ वाली बनाते हैं, ब्रेसलेट राखी बनाते हैं। अब मैंने शीट में से, इस वाली शीट में से कट किया है एक बैंड, सीधी वाली स्ट्राइप, जितना भी बच्चे का हाथ का मेजरमेंट है। ये एक लिया है मैंने, इसको सर्कल कट किया है और एक शेप में, या फिर आप बोल सकते हैं इसको एग वाली शेप में कट किया है। इसको स्पाइडरमैन का फेस बनाएंगे। अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, स्पाइडरमैन की आईज बनाऊंगी, ठीक है ना। ये बन गई आईज, टू आईज, हाँ। और आईज बनाने के बाद स्पाइडरमैन तो 2 मिनट्स में बन जाता है। ये बनाई इसकी आईज, सिंपल सी, थोड़ा ट्रायंगल वे में बनेगी और फिर सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में मैं इसको ऐसे और जस्ट स्ट्रेट लाइन ले दूंगी इस टाइप से। और अब कर्व्स वाली राखी, वो कर्व्स वाली लाइन इसमें बन जाएगी और इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं शीट से, फॉर्म शीट से। तो मैंने इसी आईज में कर दिया है कलर। एंड हमने ये लिया और अब इसको बीच में लगाओ, ब्लू वाले को लगाओ, ठीक, गुड। अब इसको ये लगाना, अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रेसलेट बनाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, वेलक्रो। तो फ्रेंड्स वेल्क्रो ये रही, अब हम इसको वेल्क्रो लगाएंगे ताकि ये अच्छे से ब्रेसलेट बन जाए। लगा दो, लगा दो, वेरी गुड। अब इसको यहाँ पे लगाओ, दूसरा वाला ये है, देखो ये है ना, इसको यहाँ पे लगा दो। ये हो गई रेडी शुवांश की स्पाइडरमैन राखी। ऐसे यहाँ रखो, अब बताओ कितनी है। 1, 2, 3, 4, वेरी नाइस। चलो अब हम बांध लेते हैं अपने बच्चे को राखी। बांधो आप, तो फिर बांध के दिखाना अपने हाथ। स्पाइडरमैन और सुपरमैन भी आ रहा है, यस। अब आपके अपने हाथ लेके आओ ना, ये सबसे प्यारी कौन सी लगी, अब बताओ। ये वाली। और बांध के सबसे अच्छी लगी कौन सी आपको, ये वाली। कार्टून वाली, ये वाली नहीं, ये वाली ठीक है, ये वाली सब अच्छी लगी, मतलब अच्छी लगी। बाय बाय। बनाने के लिए चाहिए, इसमें मैंने लिया है कुछ तरीके, जैसे मोती या फिर घुंघरू वगैरह, आप कुछ भी ले सकते हैं, स्टोन्स ले सकते हैं इस टाइप के। तो बहुत ही अमेजिंग सी आपकी राखी बन के तैयार होगी इनसे, क्योंकि डेकोरेटिव चीज़ें हैं। और ये लेस ले सकते हैं आप इस टाइप की, ये कोई भी एम्ब्रॉयडरी का क्लॉथ लिया है मैंने और इसको ट्रायंगुलर शेप में कट करा है। जितना भी आप साइज़ रखना चाहिए, थोड़ी लंबी लुम्बा के लिए मैंने रखा है, ये धागा रखने के लिए, डोरी रखने के लिए लिया है कलावा, और चिपकाने के लिए आपके पास ग्लू गन या फिर फेविकॉल जो भी हो वो ले सकते हैं। और ग्लू गन से जल्दी चिपकता है थोड़ा, इसीलिए हमको वही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो मोती लिए हैं इनसे मैं लटकन वाली, क्योंकि लुम्बा में लटकन होती है, अच्छी लगती है, तो वही बनाने के लिए मैंने ये लिया है। तो आपको सुई धागा भी लगेगा इसमें।
राखी उसके लिए मैंने लिया है कलावा। कलावे को 3 times मैंने कर लिया है रोल। तो जैसे कि हमने ये 2 times किया था रोल, इसको हमने ये 3 times रोल कर लिया है और आपस में ऐसे रब करके ज्वाइन कर दिया। एक फॉर्म शीट का ऐसे कोई भी आप स्ट्रिप ले सकते हैं, नहीं है फॉर्म शीट तो आप कपड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि जेंट्स राखी देर तक बांधते हैं, बच्चों जैसे नहीं कि हाँ उतार देते थोड़ी देर में, जेंट्स लंबे टाइम तक बांधते हैं। तो फॉर्म शीट या फिर आप कोई क्लॉथ ले लीजिए। और ऐसे ये है मेरे पास डेकोरेटिव पीस, ये मैंने कार्ड में से निकाले हैं, एक गणेश जी जो कि पहले कार्ड में मिलते थे, शादी के कार्ड में ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। और ये जो मैंने अभी बनाई थी मोती मेरे पास जो अवेलेबल थे ये एम्ब्रॉयडरी के सामान में से, तो ये वाले मैंने सेम इसके जैसे बना के ऊपर मैंने इस पेपर लगा दिया, सिक्योर कर दिया जिससे ये निकलेंगे नहीं। तो और ये सेम यही वाला मैंने यहाँ पे स्टोन लिया है, देखती हूँ ये अच्छा लगेगा या ये जो भी लगा के अच्छा लगेगा मैं वो लगाऊंगी। और पूरी सेट बनाएंगे हम राखी की, लुम्बा और जेंट्स वाली। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये थी 6 राखीज़ ईजी वे में मैंने आपको बनाना बताया है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं अपने चैनल पे डेली व्लॉग्स पोस्ट करती हूँ और होम डेकोर से रिलेटेड कुछ चीज़ें नए नए वीडियोज़ में लाती रहती हूँ डेली। तो गाइस मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।